दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यू कैन डाउनलोड आर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एफ फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स और इन द डिस्क्रिप्शन दोनों में ही कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा एंड थ्रू दिस ऐप यू कैन चेक आउट द वेरियस फ्री मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ क्विज इज मैगजीन ऑल दिस विल हेल्प यू टू एनहांस द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन मोर ओवर दोस्तों अगर आप हमारा प्रीमियम विच इज एक्चुअली आर पेड मटेरियल उसको चेकआउट करते हैं तो उस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है जिसकी फर्दर डिटेल्स एंड ऑफ द सेशन में मैं आपको देता हूं And दोस्तों जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसको दबा दीजिए उसी के बराबर में बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा दीजिए सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आर वीडियोस तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हाउ टू प्रिपेयर अब देखिए दोस्तों हाउ टू प्रिपेयर के रिगार्डिंग मैंने जो ये स्ट्रैटेजी है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड की हुई है देखिए कोई भी एग्जाम हो और बैंक ऑफ महाराष्ट्र या कोई भी एग्जाम हो अगर आप उस एग्जाम को सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने एग्जाम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो सबसे पहले आपके लिए पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड द पैटर्न और बेसिकली द एग्जाम अपने एग्जाम को समझिए उसके बाद उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जब आपको एग्जाम समझ में आ जाए आपको नोटिफिकेशन समझ में आ जाए तो उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग विच इज जो आपका पैटर्न

आसान हो जाएगी नहीं तो बहुत ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस भी बन सकती है तो वही चीज है प्रिपरेशन से पहले ये दो स्टेप बहुत ज्यादा मस्ट होते हैं आप लोगों के लिए और कहीं ना कहीं मैं यही दोनों स्टेप यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं तो चलिए पहले बात करते हैं पैटर्न की तो दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन है आप लोगों ने कही न कहीं ना कहीं देख ही लिया है आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा अगर आप इसके सीरियस एस्पिरेंट हैं तो तो आपने ये पैटर्न समझ ही लिया होगा बट इस पैटर्न को भी दोस्तों थोड़ा सा करने की जरूरत है ये जो scale scale का जो स्केल स्केल का पे रिक्रूटमेंट है उसमें चार सेक्शन है आपके ठीक है पहला है इंग्लिश लैंग्वेज दूसरा है क्वांट तीसरा है रीजनिंग और चौथा है प्रोफेशनल नॉलेज तो दोस्तों पहले क्या होता था ये जो प्रोफेशनल नॉलेज था ये आप सिक्सटी मार्क्स का है पहले नाइनटी मार्क्स का था ठीक है तो कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनल नॉलेज में अगर एज ले सकते थे तो वो बहुत अच्छा था क्योंकि कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास हम इजीली पहुंच सकते थे अगर हमारी प्रोफेशनल नॉलेज अच्छी है बट अब यहां क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तीनों ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मोर ओवर दोस्तों अगर आप देखो तो देर इज अ सेक्शनल टाइमिंग तो इस सेक्शनल टाइमिंग अगर आप देखो इंग्लिश इज डूएबल इन ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स में तीस क्वेश्चन बड़े आराम से किए जा सकते हैं इंग्लिश के बहुत टाइम है आराम से हो जाते हैं पंद्रह मिनट में भी आप तीस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो प्रोवाइडेड लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त से ज्यादा पे प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी Concepts तो आपको अप हो ही जाते हैं धीरे धीरे अगर आप नॉर्मल इंग्लिश का भी यूजेज कर रहे हैं ना तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं तो पहले थोड़ा सा बेस बना लीजिए उसके बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस इज मस्ट टू स्कोर हाई इन दिस सेक्शन

क्योंकि क्वांट रीजनिंग कितना भी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए विदाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग नहीं हो सकते और यहां पे अगर आप देखो 30 क्वेश्चन 20 मिनट में आई एश्योर यू कि 30 के 30 क्वेश्चन शायद आप देख भी नहीं पाए अगर आप प्रॉपरली एक 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 करके सॉल्व करने चलेंगे तो आपको एक आर्ट ऑफ एलिमिनेशन भी यहां पे सीखना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं नहीं कर सकते ईगो पे नहीं ले जाना ईगो पे ले गए तो फिर यहां पर गड़बड़ हो जाएगी तो ईगो पे नहीं लेके जाना आपको सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन देखते ही और वो कहां से समझ में आएगा वो आएगा, आएगा आपको प्रैक्टिस करने से दोस्त कोई आपको नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकता है हो सकता है किसी को पजल आसान लगती हो सकता है किसी को डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आसान लगते हो तो आपको अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग यह देखना होगा कि कौन सी पजल आप देखते ही अटेम्प कर सकते हो और कौन सी पजल आप देखते ही छोड़नी है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको यह चीज सीखनी पड़ेगी दोस्त तो ये दो सेक्शन हैं जहां आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है उसके अलावा जो बचता है वो है प्रोफेशनल नॉलेज जिसमें आप कंटेंट जितना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे यहां आपको प्रैक्टिस की से ज्यादा आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है तो नॉलेज आप जितना ज्यादा गेन करेंगे कहीं ना कहीं वो यहां पे एडवांटेज है यहां पे कोई भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम आपको 60 मिनट्स मिलेंगे 60 मिनट में 60 ऑब्जेक्टिव बहुत आराम से किए जा सकते हैं बहुत ज्यादा आराम से तो प्रैक्टिस की तो कोई टेंशन यहां पर नहीं है यहां पर आपकी नॉलेज आपके काम आएगी तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम का पैटर्न सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट समझ में आती है तो देन एक डाउट आता है कि सर हर सब्जेक्ट में क्या क्या प्रिपेयर करें तो मैं दोस्तों यहां पे आपके साथ अब सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं हर सब्जेक्ट का तो देखो देखो आपका जो एग्जाम है बैंक एग्जाम है तो आपका नॉर्मल जो बैंक पीओ लेवल का जो सिलेबस है वही यहां पर आपका सिलेबस है बट कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे तो एक एक करके अगर हम बात करें दोस्त तो जैसे रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल इन है सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा पजल्स इंपॉर्टेंट है सिलेबस में वैसे इनइक्वेलिटीज भी आती है लेकिन इनइक्वेलिटी इतने टिपिकल मतलब अभी आज की डेट में इतना नहीं है बट हां पूछी जा सकती है इनइक्वेलिटीज के क्वेश्चन दिख सकते हैं इनपुट आउटपुट तो डेफिनेटली आपको देखना देखने को मिलेगा डाटा सफिशियंसी के डिपेंड करता है दोस्त क्वेश्चन पूछा जाए नहीं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो ये सारा ही यहाँ सिलेबस इंडिकेटिव है इसके अलावा आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आज की डेट में इतना एक आध क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को डेफिनेटली मिल सकता है क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में बैंकिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वहाँ पे पूछ ली जाती है हो सकता है तीन चार क्वेश्चन भी दोस्तों एक पैराग्राफ के फॉर्म में दे दे ठीक है तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वर्बल रीजनिंग यू कैन से कि थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है तो ऊपर से अगर मैं आप बोलूं आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पजल्स है then input -output है देन इनपुट आउटपुट वी कैन से ब्लड रिलेशन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑर्डर एंड रैंकिंग तो रीजनिंग में तो देखो हमने बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव कंटेंट आपको बताया बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं इनकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस कहां से करनी है देखिए बेटर होगा कि अगर आप कुछ अच्छे मॉक्स लगाएं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हों तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ठीक है थीके? बाकी अगर आप देखो तो थर्टी क्वेश्चन ट्वेंटी मिनट्स में इस तरह के लेवल आके इस मतलब बैंक लेवल पे इस तरह के बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे गूगल पे सर्च कीजिए नहीं तो बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा टॉपिक वाइज और उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बट मेरा यही कहना होगा बेहतर होगा अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाए जो आपके एग्जाम रिक्वायरमेंट को मीटअप करता हो ट्वेंटी मिनट में थर्टी क्वेश्चन क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाता है कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वरना बाद में यही रहता है दोस्त हमारे पास टाइम नहीं था

इंग्लिश में देखो बेसिक्स तो कहीं ना कहीं हमें आता ही है अगर आप बेसिक इंग्लिश आप रीड कर सकते हैं राइट कर सकते हैं तो वो आपका बेसिक लेवल कहीं ना कहीं तैयार है बट प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो घायल होने के चांसेस अच्छे खासे हैं तो घायल नहीं होना है प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं एक एज रहेगा बाकी सबसे Then, लेकिन ही आपको करूंगा कि कहीं ना कहीं जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन तो तो रहता रहता है। आपको देखने को मिल सकते हैं बेसिकली एक बार ग्राफ या एक पाई चार्ट टाइप आपको ग्राफ मिल जाएगा उससे आपको कुछ डाटा निकाल के सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन चार से पांच क्वेश्चन उस पर देखने को मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी देखो पहले तो थे इस बार वो देंगे कि नहीं देंगे क्योंकि की वो के वहां दे सकते हैं इक्वेशन चाहे तो आप बेसिक आइडिया होना चाहिए क्वारेटिकवेशन क्या होती है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये जो है ये बैंकिंग के जो हायर लेवल टॉपिक्स होते हैं उनमें थोड़ा पूछा जा रहा है बट फिर भी बेसिक आइडिया है तो बेहतर डाटा सफिशियं के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं के जो बेसिक वॉल्यूम एरिया वाले क्वेश्चंस हैं एक दो क्वेश्चंस वैसे भी देखने को मिल सकते हैं ठीक है एवरेज के क्वेश्चन देखिए एवरेज कोई आपको अलग से सिखाने वाली बात कुछ नहीं है आप बैंकर हैं ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं बेसिक एवरेज वगैरह आता ही है तो वही यहाँ पे एक दो क्वेश्चन शायद देखने को मिले शायद ना मिले बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस आपको थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है रेशो एंड प्रोपोर्शन वर्क टाइम एंड एनर्जी अलॉन्ग विथ टाइम एंड डिस्टेंस ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी है रिलेशन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ये चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स तो देखिए प्रॉफिट लॉस रेशियो वर्क टाइम टाइम एंड डिस्टेंस ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे दिखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन की दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि एक डाटा इंटरप्रिटेशन पे कम से कम पांच क्वेश्चन होते हैं तो अगर एक भी डाटा इंटरप्रिटेशन बन जाता है तो सीधे सीधे पांच क्वेश्चन आपके बनते हैं तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रबोशन वर्क टाइम एंड डिस्टेंस एंड उसके अलावा डाटा मे मे बी बी नॉट और तो ये था आइडिया आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के रिगार्डिंग लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा सिलेबस इज इंडिकेटिव बट आपको यहां पे प्रैक्टिस की जरूरत है विदाउट प्रैक्टिसिंग हाँ ठीक है सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले थोड़ा सा बेस बना लीजिए बट प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी टू अटेम्प्ट इन ए बेटर वे अब बात करता हूं दोस्तों जो मेन आपका प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट है तो इस टॉपिक को जो है हम दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड करेंगे पहला तो एक हम जो बात करेंगे जो आपका बेसिक बैंकिंग होता है जो आपकी बेसिकली थ्योरिटिकल नॉलेज होती है वो हम यहां पे मैं क्या लिख देता हूं थ्योरी पार्ट ठीक है जो थ्योरी होती है उसके अलावा मैं बात करूं तो देखो एक होती है ऑपरेशनल बैंकिंग तो दोस्तों अगर हम यहां पर देखें दोनों से ही आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पहला बेसिक बैंकिंग जो थ्योरी पार्ट हो गया और दूसरा ऑपरेशनल बैंकिंग अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं ध्यान से देखिएगा इसे हम फर्दर डिवाइड करें दोस्तों तो ये हो गया एक तो हो गया स्टैटिक पार्ट एक हो गया डायनेमिक और बेसिकली करंट अफेयर तो स्टेटिक पार्ट में दोस्तों आपको क्या करना है आपको जो बैंकिंग की नॉलेज है हिस्ट्री ऑफ बैंक उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक्स फंक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट डिफरेंट एक्ट सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी और यहां पर अगर बात करूं दोस्तों हिस्ट्री हो गया टाइप्स ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है आपका रिसेंटली जो चेंजिंग लैंडस्केप है तो बेसिकली यहां पर जो आपका थ्योरी होती है जो बैंकिंग अवेयरनेस की होती है यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाती है कमिंग टू द करंट अफेयर पार्ट तो करंट अफेयर में देखो रीसेंट बैंक इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो बैंक्स आपके इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो मेजरली गवर्नमेंट स्कीम्स आप उठा के देखोगे तो सर कितनी करें मतलब इतनी सारी स्कीम्स है तो देखो अब कहीं ना कहीं कंस्टेंट तो अपने को लगाना पड़ेगा कितनी करें तो उसमें आप मेरा एक पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि यार जो बैंक्स और मतलब बैंक्स की हाईली इन्वॉल्वमेंट जिन स्कीम्स में रहता है वैसे तो हर स्कीम में मेजरली रहता ही है बट जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है जैसे सिडबी की अपनी स्कीम्स है एमएसएमई को लेके एक्सएम की अपनी स्कीम्स हैं तो वो यहाँ पे आपको या बैंक ऑफ उफ... हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो अपने इनिशिएटिव हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इनिशिएटिव्स बिल्कुल मत भूल जाइएगा बहुत हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बैंक्स का मेजर रोल है वहाँ को थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा कुछ नाबार्ड की अपनी स्कीम सिडबी की अपनी schemes, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और खासकर हर स्कीम नहीं दोस्त जो कहीं ना कहीं न्यूज में है। इसके अलावा तो बैंक्स के इनिशिएटिव्स इस बैंक ने ये कार्ड लॉन्च किया इस बैंक ने इस बैंक के साथ टाई अप किया तो वो सारे बैंक के इनिशियटिव आ जाते हैं ये पोर्टल लॉन्च किया ये तो वो आपका सारा पार्ट हो गया करंट अफेयर का तो सर ये जो है ये तो थ्योरी पार्ट है इसके अलावा भी हमें करना है देखिए आप क्या है आप स्केल टू स्केल थ्री लेवल पे रिक्रूट होंगे तो वहां पे आप क्या एस ए मैनेजीरियल आप ब्रांच हेड के तौर पे अगर वहां पे आप काम करने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपसे कुछ ना बेसिक ऑपरेशनल जो थिंग्स होती हैं कि यार केवासी के रिलेटेड जो बैंक की पॉलिसी है वो क्या है ठीक है चेक्स के रिलेटेड क्या है तो वो डिफरेंट जो पॉलिसीज होती हैं बैंक की वो अब आपको यहां पे पता होनी चाहिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कितने दिन के अंदर आपका केवाईसी वाई सबमिट हो जाना चाहिए कैसे करते हैं वो तो आपका थ्योरी का पार्ट हो गया लेकिन वो कितने दिन में जो बैंक का ऑपरेशनल ऑडिटिंग है वो सारी चीजें आपका पार्ट हो जाती हैं ऑपरेशनल बैंकिंग की और यहां से भी आपको एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस मुझे तो ये लगता है कि 50 पेपर इधर से होगा और 50 परसेंट बट कहीं ना कहीं इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा होने के चांसेस है तो वी कैन डिवाइड की 60-40 की रेशो या फिर 65-35 की रेशो में एटलीस्ट आपका पेपर यहाँ पे होगा तो वही देखें तो फिफ्टीन से ट्वेंटी क्वेश्चन या इवन ज्यादा वैसे तो मेरा थर्टी का कैसे तो पे थर्टी क्वेश्चन इधर से और थर्टी क्वेश्चन इधर से बट फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे चलता है देखो इट डिपेंड्स कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस लेवल का पेपर बनाता है सीबीओ ने आपको थोड़ा सा सरप्राइज किया क्योंकि सीबीओ पे फोकस यहां था यहां कम था तो वही चीज है अब हमें वो गलतियां नहीं करनी है हमें अच्छे से इन डेप्थ हर चीज अप करनी है कोई भी चीज नहीं छोड़नी स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है इसके अलावा भी तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू दी कमेंट सेक्शन तो दोस्तों ये था आपका ओवरऑल रिलेटेड टू सिलेबस सिलेबस ईच एंड एवरीथिंग हाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ ऑलरेडी कंप्लीट प्रोफेशनल नॉलेज का आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर दिया बट स्टिल कुछ रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी मोर ओवर अगर आप हमारी मेंटरशिप में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच ऑल्सो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल टू एंटायर कंटेंट तो आप चाहे तो इसमें जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल टू मैं प्रैक्टिस को आपको कर रहा था, अगर आप तो हमारी डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं फॉर टेस्ट फॉर स्केल टू एंड स्केल थ्री ठीक है फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दीज कोर्सेज एंड चेक आउट द फर्दर डिस्क्रिप्शन एंड द डिटेल्स एक्चुअली दोस्तों किसी की भी यहां हैं तो यू कैन यूज द कोड वाई फाइव एट वन एंड फॉर टेस्ट सीरीज एंड बुक किट्स यू कैन यूज द कोड वाई फाइव एट वन एस तो ये कोड यूज कीजिए गेट द डिस्काउंट और डिस्काउंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों ऐप को इंस्टॉल कीजिए वेन यू गो टू द लिंक एंड अप्लाई द कोड वाई फाइव एट वन तो यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ अप टू तो ऐप से बाई कीजिए यूज द कोड वाई फाइव फाइव एट वन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे बाकी बुक्स एंड एंड बुक्स टेस्ट सीरीज के लिए कोड है तो यूज द कोड यूज इट फ्रॉम द ऐप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे क्योंकि देखो दोस्तों आप लोगों को भी पता है आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन का आपका एग्जाम होपफुली जनवरी एंड तक हो जाना चाहिए थोड़ा डिले होता है तो और भी अच्छी बात है बट जनवरी एंड तक होपफुली आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाना चाहिए तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप सेशन में आप लोगों को मजा आया मजा आया तो डू गिव मी ए लाइक डू शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल टू और स्केल थ्री ऑफिसर मोरवर आप मेरे से रेगुलेटरी बॉडीज का भी कोई भी क्वेरी कभी भी पूछ सकते हैं जस्ट नीड टू रीच आउट टू मी थ्रू एनी ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो सो दैट्स ऑल फ्रॉम